6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान तमीम इकबाल ने 24 घंटे बाद रिटायरमेंट वापस ले लिया है। यह फैसला तमीम इकबाल ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात के बाद लिया। तमीम इकबाल ने बताया कि दोपहर को प्रधानमंत्री ने मुझे अपने घर पर बुलाया और समझाया कि भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए और मुझे फिर से खेलने के लिए कहा, इसलिए मैंने संन्यास को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी को ना कह सकता हूं, पर प्रधानमंत्री को ना कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आपको बता दें कि तमीम इकबाल 1.5 से 2 महीने का ब्रेक लेने के बाद 31 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप में खेलते दिखाई देंगे।